मेरे पास आज जो बात है उनकी मेरे पास है, मैंने बात करा तो मुझे व्यक्ति की है
बेकार रहेगा। तो संस्कार जो आचरण मैंने प्राप्त किए हैं, मैं चाहूंगा आप सब भी उस संस्कार को आचरण को प्राप्त करके अपने चरित्र को उज्ज्वल एवं स्वच्छ बनाएं। और जैसा कि कहा है कि भविष्य में आपकी योजना क्या है, अभी तो बीएड का फॉर्म मैंने भरा है और उसी में एक आदर्श शिक्षक बनने का मेरा लक्ष्य है, उसको मैं प्राप्त करूंगा। एक घोषणा वो भूल जाइए, क्योंकि अगर मेरे मन में रहा कि
तीन लोग मेरे बारे में पुनः सोचते हैं, विजय है, चैतन्य प्रकाश है। अब मैं अपने भावनाओं को उस टाइम पे नहीं रोक पाता, बाद में भले मेरे को बुरा लगता है, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ, मगर उन स्वभाव को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तू तो भरते जा किनारे पूर्वक होगा जाएंगे, हाय ना हाय ये नहीं बस जीत है तेरे लिए। आजीवन की आजीविका की जो समस्या है वो
चौथे साल पांचवे साल आने के बाद भी कुछ लड़कों को ये मान्यता बनी रहती है। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसी में टॉप रहेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आजीविका के लिए समस्या आ ही जाए। वो उसमें भी किसी भी क्षेत्र में आए, पढ़ने वाला किसी भी क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ सकता है और उसकी आजीविका अपने आप बनेगी। और कुछ लड़के कहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है, कुछ व्यवस्था सही नहीं है, वो ऐसा है, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो उन लोगों के लिए कहता हूँ, तो ऐसा सुना है मैंने कि देयर इज एडवांटेज देन देयर इज डिसएडवांटेज। यदि सुविधा हो, अच्छी व्यवस्था हो, फायदा हो, वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ असुविधा होगी, पर उस असुविधा जो है उसको लक्ष्य ना बनाकर जो सुविधा जो है उसके माध्यम से जिस देह में, यही हमारा विचार है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विद्या और सबसे महत्वपूर्ण मूल जो मैंने सीखा कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना कैसे किया जाए, वो मैंने यहाँ पर सीखा। और परिणामों में पहले दसवीं से पहले जो मेरे परिणामों में तीव्रता थी, रोज आदमी में जो तीव्रता थी, वो यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि वो कल हमें याद आएंगे। हमने किया जो भी अब तक, कभी रोकर कभी हंसकर याद आएंगे। इसके बाद हमने हमारे अधीक्षक महोदय क्रिएटिव वर्क्स का जो बैच यहाँ से विदाई पा रहा, शायद और भी अनेक बैच के छात्र मेरे मुख से इस बैच के बारे में अनेक बातें सुन चुके होंगे। मैं पिछले 7 वर्षों से महाविद्यालय में हूँ और मैं किसी और दूसरे बैच को कम नहीं आना चाहता, लेकिन ये बैच जो यहाँ से उत्तीर्ण कर रहा है विद्यार्थियों में जिन जिन योग्यताओं की, जिन जिन प्रकार की शरारतों की या जिन जिन प्रकार की अध्ययन संबंधी खेलकूद संबंधी योग्यताओं की अपेक्षा मैं करता हूँ, अगर आप इस बैच के ऊपर निगाह डालेंगे तो इस बैच में वो सारी उपलब्धियां जिनसे कई बार कभी कुछ कहने का अवसर ही नहीं पड़ा, और अनेक छात्र ऐसे हैं जिनसे बिना कहे कभी रहा नहीं। परंतु बात ये थी, यहाँ से तो एक आमंत्रण आया था, परंतु मैं अपने गुरु श्री जिन्हें मैं आपका गुरु मानता हूँ उनके मैं आगे आकर कभी उल्लंघन नहीं कर सकता था। और ऐसे गुरु हैं मेरे राजा जी। तो बात यह हुई, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया, बड़े भय होने लगा कि हमारे पूरे, मैं कहना चाहूंगा पूरे औरंगाबाद जिले के से मैं ऐसा अकेले लगता था कि गाँव में हूँ। जब केवल स्कूल में गया था और मैंने वहां पे एक किताब जो दादा के द्वारा रची हुई है जिनेंद्र द्वारा अनजीन का है, उससे भी अधिक प्रचार में औरंगाबाद जिले मराठवाड़े में करके आपको दिखाऊंगा। तू करेगा आज जो वह वक्त से दोहराएगा, फर्क ये है आज तू है कल जो कोई और हो, फिर भी तेरा नाम सदियों तक पुकारा जाए। और आज 12 फरवरी 2007,
आज आप मेरे को यहाँ पर खड़ा देख रहे हैं, मेरे में जो इतना परिवर्तन देख रहे हैं, या फिर आप मुझे सम्मान देते हैं, या फिर समाज में मैं जहां भी जाता हूँ और मुझे जो सम्मान मिलता है, सर्वप्रथम तो वो जिनवाणी का सम्मान, और उसके बाद मेरे गुरुजनों का सम्मान है कि जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, और उन सभी गलतियों में आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, प्रवीण जी भाई साहब, शांति जी भाई साहब, आप सभी ने हमेशा एक जो सही मार्गदर्शन होता है, भले ही हमको वो उस समय गलत लगता है, लेकिन आज जब हम उनको उनके बारे में सोचते हैं तो वो सभी घटनाएं ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम वास्तव में कहां। और क्षत्रिया प्यारी जो इतना दिया, शुक्रिया यार सुक्रिया प्यारी जो इतना दिया, हमने किया यहाँ जो भी किया, कभी रोके कभी हंस के दिया, खुशियाँ कभी गम भी दिया, रोके कभी हंस के दिया, ये पल हमें याद आएंगे, वो पल याद आएंगे। देखी दुआएं बोल दी है तो हमेशा खुश रहो, मन चाहते हैं बच्चन विद्यार्थी हो। विदाई समारोह का ये आयोजन है, 5 वर्ष यहाँ पढ़े अभी रंग के दौरों को भी हंस करके विदा करना, सभी वक्त की परछाइयां बनकर उजाला छाएंगी, जीत के हर जाम को हर शाम तक पीना सभी, जीत के हर जाम को हर शाम तक पीना सभी। सम्मानीय मंच, छोटे दादा, बड़े दादा और अनेक अधिकारी, मुझे यहाँ आने की सबसे पहले प्रेरणा मेरे दादाजी ने मुझे दी, और मेरे भैया ने भी मुझे अत्यंत प्रेरित किया। मेरे भैया यहाँ पहले पढ़ चुके हैं जो मुझसे 2 साल बड़े हैं। मैं जब देवलाली शिविर में गया था तो मेरे साथ दादी गई थी, और वहाँ पर जब छोटे दादा जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तब मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र इतनी कम कैसे है, तो उन्होंने वहाँ कहा था कि कम लिखाई है, तो दादा मुझसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने भी कम लिखाई थी। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा 5 साल में, 5 साल जो कुछ भी किया वो कभी आगे के वर्षों में या भविष्य में कभी नहीं भूला जा सकता, इतना जो इतना सब कुछ हुआ। और जो पॉइंट रखा गया कि जूनियरों के लिए प्रेरणा, तो वो यही कहा जा सकता, कह सकता हूँ मैं कि जो 5 साल में जितना ज्ञान अपन यहाँ अर्जित कर सकते हैं उतना अपन को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में ये ज्ञान अपन को द्वारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए जितना ज्ञान यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, जो कुछ भी यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, संस्कार सदा आचरण वो सब कुछ यहाँ से ग्रहण करना चाहिए। और मेरे भविष्य की भी योजना इस धर्म के साथ साथ कुछ लौकिक कार्य भी करने की है, जो कोर्स आदि होते हैं उन्हें आगे करूँगा, वो तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन धर्म में ही निरंतर लगा रहूँगा। और जो मेरे दादाजी का सपना है, मैं एक बात कहना भूल गया कि मैं घर पर एक दादा को छोड़कर आया तो मुझे यहाँ पर दो दो दादा मिले, और जो मेरे जो भविष्य की योजना है और जो मेरे दादाजी का सपना है कि आगे धर्म के कार्य में लगे रहना, वो मैं उनके सपने को अवश्य पूरा करूँगा। इसी मंगल भाव ऐसी मन नहीं है कि हम सबके चेहरे ऐसा लग रहा है जैसे रोने वाले, क्योंकि अब हमारी जो धड़कने हैं वह भी विदाई के गीत गाने लगी है, क्योंकि आज हमारे अग्रजों की
हमसे विदाई है। तो ऐसे माहौल में हम सभी के हृदयों में एक ही प्रश्न शायद है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मुरझाए हैं फूल आज, क्यों सूनी है रंगिया आज, क्यों उदासी है चेहरों पर, क्यों भीगी हुई है आंखें आज, क्यों भीगी हुई है आंखें आज। यदि इसका उत्तर ढूंढा जाए तो जो इसका उत्तर भाई जिन पर हमें नाज है हमारे सामने उपस्थित है, तो इस घटना में आगे के वक्तव्य के लिए मैं शासकीय द्वितीय वर्ष से बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्स को जिसका परिचय देना, जिनकी आवाज से इस माया का प्रत्येक कोना गुंजायमान है, ऐसे ओजस्वी लायक के धनी भाई अंकुर जी को बुलाना चाहता हूँ। क्या ना कहूं, अजब सी इस तन्हाई पर मारे गम के तिल पकड़ता है हमारी इस जुदाई पर। गम सिर्फ हमें ही नहीं इस जमीन और आसमान को भी है, तभी तो दो दिन पहले आसमान ने भी आंसू बहाए थे हमारी विदाई पर। लेकिन देखते हैं जितना बयां कर पाया। सर्वप्रथम अपना परिचय दूंगा कि यहाँ मैं 5 अगस्त सन 2002 को आया था। मेरे घर में मम्मी की और मामा की इन लोगों की बहुत इच्छा थी यहाँ पढ़ने, यहाँ मैं पढ़ूं। लेकिन मेरी किसी भी प्रकार के मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पढ़ूंगा। और उन्होंने कहा कि तुम एक बार यहाँ आ जाओ, अच्छा लगे तो रुक जाना, नहीं तो घर चले जाना। मैं यहाँ आया इस मूड से कि चलो गए हैं जयपुर घूम लेंगे और उसके बाद अपना बहन ही चले जाएंगे। लेकिन उस रात धर्मेंद्र जी भाई साहब ने किस रिश्ते से मैं नहीं जानता, क्या समझाया था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कई समय की सोच पर उस 30 मिनट के धर्मेंद्र जी भाई साहब मित्र स्मारक का चक्कर लगाते हुए मेरे गले में हाथ डालकर मुझे क्या बताया। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद तुरंत मेरा जो मन था मैं परिवर्तित हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ने का यहाँ रुकने का ऐसा निश्चय किया और यह सोच के नहीं क्या हो रहा है जो था शांत तुम सबका वो देखो अब खो रहा है। यमुना आंख रोती है जानते तुम सभी यारों, यमुना आंख रोती है जानते तुम सभी यारों, पर ये कोई नहीं जाने कि मेरा दिल रो रहा है, पर ये कोई नहीं जाने कि मेरा दिल कैसे कहें तुमसे कि जाने क्या हो रहा है। अपने गुरुजन करते किया क्या आपसे हासिल, जुदाई आपसे है इसलिए दिल मेरा गाफिल, चुकाना चाहता हूं कर्ज सारा आपका लेकिन सब सोच पाना है बड़ा मुश्किल, चुकाऊं कैसे ये सब सोच पाना है बड़ा मुश्किल, जाने क्या हो रहा है। जो मित्र जन मेरे सहपाठी उनके लिए पंक्तियों में मेरे अपने मन की बात कही है, कैसे कहूं लम्हों को उन जो साथ हैं पाए, कभी आंखों में आंसू थे कभी संग बैठ मुस्काए, बिछड़ने के दिन आए अब अपनी राह पर जाना, पर ये कभी वो नहीं सकता तुम्हारी याद ना आए कि दर
डाले हैं कि ये वो मेघ हैं जो ज्ञान की बरसात ला करते कि ये वो मेघ हैं जो ज्ञान की बरसात ला करते। और ये जो अंतिम पंक्ति है आज से दो वर्ष पहले इसी मंच पर इसी समय किसी ने कही थी और उसी को मैं यहाँ पढ़ाना चाहूंगा कि ये वो मेघ हैं जो ज्ञान की बरसात ला करते ये बरसे तो ना लेना ये बादल जाने वाले हैं। अंत में अपने मित्रों के प्रति एक गुजारिश करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। साथियों मुबारक तुम्हें तुम्हारी इस विदाई पर इतना याद रहे एक साथी और भी था। कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, कि हमेशा संघर्ष करना हर मंजिल तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। अब आगे के वक्तव्य के लिए बुला रहा हूँ शास्त्री अंतिम वर्ष से ही जिनेन्द्र जी नंदेश्वर जो यहाँ आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हम अब इन्हें प्यार से जिनप्पा जी भी कहते हैं, ऐसे जिनप्पा जी आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आज के विदाई समारोह में मैं मेरे को जो 5 पॉइंट दिए गए उस पर बोलूँगा। पहला जो मेरा एडमिशन हुआ वो एक कहानी के रूप में वो प्रस्तुत करूँगा। जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था मैं कर्नाटक के वही तेरदाल में पढ़ता था, 10वीं में पढ़ रहा था, लास्ट के 1-2 महीने बचे थे शायद, तब मेरे मामा जी आए वहाँ पे तो बोले तुम जयपुर चलो, तो मैंने बोला जयपुर, फिर हंसा, फिर मैं वहीं से शांत हो गया। फिर मेरे को उतना ये यहाँ पे आने की इच्छा भी नहीं थी, मतलब मैं जानता ही नहीं था कि यहाँ पे जयपुर में क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर 2 महीने वो चले गए, उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा देवलाली चलो, मैं तुम्हें घुमा के लिए कहता हूँ, वहाँ पे शिविर भी है और शिविर में जो कुछ भी होगा देख लेना, अच्छे लगे तो वहाँ पे जयपुर में एडमिशन ले लेना। तो फिर मैं क्या किया, जयपुर देवलाली आने का निश्चय किया। देवलाली आया, वहाँ पे दोस्तों के साथ पढ़ा, मैं धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस नमो कर मंत्र आते थे, भगवान के सामने जाता था तो वहाँ पे भी नमो कर मंत्र बोल रहा था। मैं जब 10वीं तक था वहाँ पे मैं जब गांव में था तब अन्य देवी देवताओं को सबको मानता था, जहाँ पे हनुमान मंदिर में जाऊँ तो भी नमोकार मंत्र पढ़ता था, दुर्गा मंदिर में जाऊँ तो भी नमोकार मंत्र पढ़ता था, बस मेरे को नमोकार मंत्र के अलावा जय धर्म का कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद मैं देवलाली गया, देवलाली में मेरे को वहाँ पे हिंदी नहीं आती थी, तो हिंदी नहीं आने के कारण वहाँ पे पहले तो समझ में नहीं आया बड़े। उसके बाद जब क्लास डिवाइजन हुआ तब हमने कहा कि कन्नड़ के टीचर चाहिए हमें पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कन्नड़ जो सुनील जी जैनापुरे थे उनको उन्होंने नियुक्त किया, तब मैंने थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में पढ़ा। फिर जब मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मम्मी ने पूछा कैसा था देवलाली और वहाँ के लोग क्या कहते हैं और कैसा है, कैसी उनकी मान्यता है, तो मैंने मम्मी को पहली बात यही कहा कि जयपुर वाले कहते हैं खाना खाना भी पाप है, इसीलिए वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर मैं मम्मी ने भी मतलब मम्मी भी उतनी ज़्यादा जानती नहीं इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बस मम्मी की इच्छा भी नहीं थी कि मेरे को यहाँ पे जयपुर में भेजे। फिर उसके बाद जब परीक्षा के परिणाम आया, उसके बाद जब आने का वक्त हुआ फिर मेरे मामा जी आए लेने के लिए, फिर मैंने मना किया तो भी उन्होंने समझाया कि यहाँ पे बहुत अच्छा धार्मिक और सब कुछ शिक्षण दिया जाता है इसीलिए यहाँ पे आ जाओ। तो फिर वहाँ से मैं एडमिशन के लिए आया, फिर पहले मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था, फिर शांति जी से वगैरह से रेकमेंड करके मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद मेरे 5 साल कैसे गुजारे मैं कहूँ, पहले 1-2 साल में तो मैं बस शांत अपने आप में रहता था, किसी से बात नहीं करता था। उसके बाद जब
फर्स्ट ईयर में आया, थोड़ी बहुत बात करने लग गया, किसी से दोस्ती हुई, मतलब ऐसे ही सबके साथ दोस्ती होती रही। इस प्रकार मेरे 5 साल बहुत अच्छे निकले, मेरे को अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और क्या कहूँ, पूरे क्लास के सभी लोग दोस्त की तरह रहते, बिल्कुल अच्छी तरह से रहते, मतलब यहाँ पे कोई झगड़ा वगड़ा इस प्रकार के कोई नहीं होते, इसलिए मेरे क्लास बहुत अच्छी है। और मैं अनुजों को ये सलाह दे दूँ, सलाह तो क्या दूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अनुजों को जो आगे के जीवन के लिए सोचते हैं, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे जो पढ़ रहे उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, आगे का जब आगे आएगा तब सोच ले, इस प्रकार यही उनको इनके लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ। मेरी आगे की योजना, बस मैं धर्म प्रचार भी करता रहूँगा और जो हो सके जो आजीविका के लिए वो करूँगा। बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, शांति जी भाई साहब एवं हमारे सभी आदरणीय विद्वान जिन्होंने हमें आज 5 सालों में इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि जिस ज्ञान के बल से आज मैं यहाँ खड़े होकर जो उनसे आप सभी ने उम्मीद दिए हैं कि उसमें हम अपने अनुजों को भी प्रेरणा दे सकें, वो प्रेरणा मैंने आप सभी से पाई है। इसी बात को मैंने कविता के माध्यम से सीखे, मैंने ये बात कभी से मतलब सुनता आ रहा हूं, सुनता आ रहा हूं। मैं दसवीं थी, मेरी दसवीं में पहली साल है, मैं पार्शियल में से नहीं आई थी, इसलिए मैंने दोबारा दसवीं आने के पहले ही मैंने 6 परीक्षा कर लिए थे, यहाँ के जोड़ा भी परीक्षण वगैरह, इंदौर वगैरह मियाँ वगैरह सभी परीक्षण, यहाँ आने के मतलब इतनी गलत थी मेरे मन में। तो प्रेरणा धर्म में तो आप सभी को यह स्मारक सदा ही रहा है और सदा ही रहेगा। तथा मुझे एक चीज और यह लगती है, मतलब मुझे कुछ गलती हुई और मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। मुझे ध्यान है मैं इसमें वहां पे अपना बैठा बैठा नींद लगी हो रहा था, भाई साहब ने खड़ा किया और थोड़ी देर बाद खड़ा 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 उसके बाद भाई साहब ने कहा अपना बैठ जाओ, तो मुझे लगा छोटी छोटी मैं मुझे
संसार में होना और पाना कोई नई बात नहीं है। नई बात तो तब है जब हम आएंगे निजातम की ओर। हमें बस निजातम ही पाना है, नहीं विषयों में जाना है। जिसे लग कर सुखी होते वहां पर दृष्टि लगाना है। जिनकी अंगड़ाई लेते ही होता है सवेरा। सचिन जैन सत नाम है, निवास है जवेरा, निवास है जवेरा। ऐसे सचिन जी आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा और राकेश चाचा पश्चात जागेश भैया की प्रेरणा से आया, जो यहाँ पर शास्त्री कर चुके हैं। और इसके पश्चात पहले मैं यहाँ पर एडमिशन के पहले नौवीं में मड़िया जी भी गया था, परंतु वहाँ पर 4-5 दिन रहने के पश्चात मैं वहाँ से भाग गया था। दसवीं में भी मड़िया जी गया था और वहाँ से फिर वहाँ के सुबह उठाने के कारण 4 बजे मैं भाग के आ गया था। यहाँ पर पश्चात यहाँ पर बीते हुए 5 साल, तो यहाँ पर मैंने 5 साल में बहुत कुछ पाया। इसके पहले भी मैं पाठशाला वगैरह जाता था, परंतु उतना धार्मिक माहौल नहीं था, मैं वहाँ पर धर्म इतना नहीं सीख पाया। यहाँ पर आने के पश्चात मैंने 5 सालों में बहुत कुछ सीख लिया और मुझे अपने क्लास के बारे में क्या कहना, सभी लोगों को मालूम ही है कि मेरी क्लास बैच नंबर, मेरा बैच बहुत अच्छा था। उसके पश्चात यहाँ पर मेरे गुरुजन हैं जो, तो उनमें सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को अपना सर्वप्रथम गुरु मानता हूँ, क्योंकि 2 साल के अंदर अन्ना जी के द्वारा जो प्रश्नोत्तर चले उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और गुरुदेव से लगन हूँ। उसके पश्चात छोटे दादा और शांति जी, इनका मैं बहुत उपकार मानूंगा उनसे। उसके पश्चात प्रवीण जी भाई साहब का सबसे ज़्यादा उपकार मानूंगा, वो ही कहें तो मेरे लिए वही सब कुछ थे, क्योंकि उनके पास जब भी मैं जाता था, जिस शंका को पूछता था, वो मेरे को उसका समाधान करते थे। रात को 12 भी बज जाते थे तो मेरे को वो समाधान करते थे। इसके बाद अनुजों को प्रेरणा, तो अनुजों को प्रेरणा क्या देना, दादा लोग तो बड़े दादा छोटे दादा सब प्रेरणा देते, मैं अभी इस लायक नहीं हुआ कि यहाँ पर इनको प्रेरणा दे सकूँ। फिर भी कहता हूँ कि जिनवाणी की सदा विनय करना, तथा जो 5 साल यहाँ पर मिले हैं उसका सदुपयोग करना तथा स्वाध्याय करना। और धर्मेंद्र जी एक बात कहते हैं, बुंदेलखंडी में कहते हैं कि मौका मिले तो छोड़ो ने और बिना तैयारी के बोलो ने। इसके पश्चात भविष्य में मुझे क्या करना है, तो भविष्य में मैंने अभी तो विचार बनाया कि बीएड करूंगा। उसके पश्चात बीएड के पश्चात अगर बीएड हो गया तो एक अच्छा व्यवसाय बनूंगा। मैं अपनी बात 2 लाइन कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। जिंदगी कदम हर कदम एक जंग है, जीत जाएगा हौसला बुलंद है। जीतने वाले जन्नत के फरिश्ते नहीं होते, जीतने वालों का तो अलग ही था। तेरा सफर है, मंजिल भी तेरी, रास्ता भी तेरा, तो फिर आगे बढ़ने का इंतजार किसका है कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है तो किसी का बिना इंतजार करते हुए अपनी मंजिल पर चलें। अब इसी बीच में कार्यक्रम को एक नया मोड़ देते हुए मैं एक विदाई की छोटा सा विदाई प्रस्तुत करने के लिए बुला रहा हूँ हमारी क्लास की छात्रा कुमारी प्रणति पाटिल, जो अपने शब्दों को प्रस्तुत करना चाहती है। कुमारी प्रणति पाटिल।
मार्ग सच्चा मैया संसार धोखा मुक्ति मार्ग सच्चा मैया संसार धोखा जितेंद्र भाई
जब स्वाध्याय करता था तो मुझे उसे देखकर पता नहीं अंदर से कैसा लगता था कि वो दिन भर पढ़ते रहता था, स्वाध्याय करते रहता था, तो कभी कभी मेरी भी इच्छा हो जाती थी कि मैं भी पढ़ूं, तो मैं भी कभी कभी किताब लेके बैठ जाता था और पढ़ने लगता था, लेकिन भावुकता बस दो तीन दिन तो पढ़ता था फिर बंद करके रखता ही था। लेकिन सेकेंड ईयर फाइनल में आते आते वो किताबों को पढ़ने तो लगा लेकिन साथ में समझ में भी कुछ आने लगा। अब ऐसा लगता है कि जब 5 साल में मैंने जो कुछ सीखा अब अगर दोबारा एडमिशन लूँ तो अब जो कुछ मैंने सीख लिया तो दोबारा एडमिशन लूँ कनिष्ठ से पढ़ूँ तो अब मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, अच्छी क्लास में रैंक ला सकता हूँ। अनुजों को प्रेरणा, तो अनुजों को क्या प्रेरणा दूँ? मैं हमेशा यही सोचते रहता था कि यहाँ से जाने के बाद क्या करूँगा, तो अनुजों को भी यही बताना चाहूँगा कि एक बात की याद रखना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, यही बताना चाहूँगा। और साथ में अनुज धार्मिक तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो करें और आगे प्रचार प्रसार भी करें। फिर बात आती है कि किसकी प्रेरणा, तो मैं शास्त्री और सुमत प्रकाश जी की प्रेरणा से आया हूँ। डोनेशन बेस पे हुआ था क्योंकि मेरी परसेंटेज भी कम थी और मैंने कोई सिर्फ अटेंड नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें 60% से कम आई तो तुम्हारा हर साल डोनेशन लगेगा। तो जब मैंने एडमिशन लिया था उसी के कुछ दिन बाद 3 या 4 दिन बाद एक छा कि ऐसा ही टेस्ट था, एग्जाम तो बाद में होगा, तब जाके मैं कुछ शांत हुआ कि हाँ अब बाद में अच्छे से पढ़ाई करके फिर टेस्ट दूंगा। तो उस साल कनिष्ठ उपाध्याय में जो धार्मिक परीक्षाएं हुई थी उनमें सबसे अच्छे नंबर मेरे 6 डालाई में आए थे। बाकी अब क्लास के बारे में आपको पता ही है, ऐसी कक्षा का समागम था तो जिसको अभी नहीं भूल पाऊंगा। और अंत में मेरी जो भविष्य की योजना है, तो भविष्य में मैं बिजनेसमैन कि भुलाए नहीं भूले जाते कुछ ऐसे अस्क हुआ करते हैं, भुलाए नहीं भूले जाते कुछ ऐसे अस्क हुआ करते हैं, जो रह कर याद आते रहेंगे कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं कुछ ऐसे। और जल्दी ही भूत बनने वाले और अभूतपूर्व छात्र ये भी अभूतपूर्व ही बनेंगे। बहुत से जाने वाले छात्रों ने बोला, मैं चाहता हूँ जो बोला है वह सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं बोला है, से जाकर अपने जीवन में उतारेंगे उस पर चलेंगे। अगर आपके पास अभी पूरा समय है तो आप समय रहते ही चेत जाए, जो उन्होंने आपके 2 साल में हासिल किया तो आपको अधिक समय मिलेगा और आप बहुत अच्छी तरह से उसे हासिल कर सकेंगे। और तीसरा सवाल है स्वाध्याय, इसको बारंबार सभी ने प्रेरित किया है और बहुत से छात्रों ने अपने वक्तव्य में विश्वास भी दिलाया है, तो हम चाहेंगे कि उसका बराबर आप अमल भी करें तो समाज से आपको सम्मान मिलेगा। सदाचार में जीवन आप जिएंगे तो आपको संतोष और समाधान भी मिलेगा, और आप स्वाध्याय में निरंतर रहेंगे तो निश्चित रूप से समय दर्शन की प्राप्ति भी आपको अवश्य हो सकेगी। इसलिए इस 3 सकार का हम जीवन में बराबर ख्याल रखें। समाज को देने की बात आती है तो सबकी शिकायत रहती है कि आपको सुनने वाले नहीं रहते हैं, आते नहीं हैं, इसलिए स्वाध्याय नहीं करेंगे, जिन मंदिर में प्रवचन नहीं करेंगे तो फिर प्रवचन बंद होगा और जो 2-4 भी सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। आदरणीय दादाजी पुनः पुनः, जब तक आप एक नगर में 2-2 शास्त्री बनकर के गए हो और आप दोनों प्रवचन की गद्दी पर बैठे और सुनने के लिए एक वक्ता आए तो भी आपको प्रवचन जरूर करना चाहिए। यदि आप यह करते हैं तो ही समाज से जुड़ेंगे और समाज से आपको सम्मान मिल सकेगा। और इसी के साथ साथ स्वाध्याय की निरंतरता भी होनी चाहिए। अंत में 2 मुक्तक कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो पूरी मन की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहान आपको, अगर आप चाहें आज
आसमां का एक तारा तो खुद ही मिले सारा आसमां आपको का साया तुम हरदम पाओगे, मुड़कर देखोगे तो तन्हाई होगी, अगर महसूस करोगे तो हमें पाओगे। जैसे मेरा डिसाइड नहीं था बोलने का, तो कुछ लोग दोस्तों भी बोले बोल रहा है तुमको सम्मानीय मंच पहले अंकुर भाई के पास गया देखो नीचे कुर्ते वाले बैठे बोले मैं जब आया था 5 फुट 1 इंच में हाइट थी मैं कितने क्या हुआ मेरा 5 साल बाद 5 फुट 11 इंच हो और क्या हुआ 45 किलो का मैं आ रहा था 72 किलो का ऐसे ही बोल रहे कि बहुत बहुत परिवर्तन हुआ उसमें ध्यान का परिवर्तन हुआ मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं जब आया था तो 5 फुट 3 इंच का था आज भी 5 फुट 3 इंच 57 किलो का आया था 52 किलो का बचा ऐसे ही ये तो कमियां भी है खास बात है इसका परंतु ज्ञान में बहुत बाकी बहुत की हुई सोचा तो बहुत बोलता बैठे बैठे एक घंटे से सोचा था क्या क्या बोलूं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय बहुत अभाव है समय का एक घटना बता रहा हूँ मैं जो सब भारतीय चलती है कि दादा भुजाई में वो उड़ाते हैं मजाक इस टाइप की तो भोपाल के डीएसी के तो उनसे भी देखते हैं कि इस काम में लगे हुए ब्रह्मचारी को मतलब इस काम में ब्रह्मचारी के साथ दादा जी बोलते रहते हैं प्रेम भाव से तो सुमन जी ने भी एक दिन बोल दिया था कि कौन सुमन जी है सर कुछ तो के अच्छा लगता आप लोगों की मजाक उड़ाते हैं तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तो वो ये बोले कि जब कोई बच्चा होता है बच्चा बड़ा हो जाता है पिता देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और उससे जब हल्की फुल्की मजाक करने लगता है तो बच्चे को बहुत खुशी होती है कि देखो पिताजी मेरे से डैडी मेरे से मजाक कर रहे हैं इस प्रकार की खुशी मुझे होती है जब दादा मुझसे कोई मजाक की बात कहते हैं तो इस प्रकार दादा एक उच्च समाज के स्तंभ है और वो एक सब अग्रणी है इसलिए मुझे उनको सब समाज के पिता समान है ये मुझे ऐसी खुशी होती है कि पिता समान सब लोग बोल रहे दोस्त लोग कब वो मैंने कविता बनाई थी एक कवि सम्मेलन के दिन सुनाई थी तो वो दोबारा दोहराना चाहता हूँ तो 2 मिनट 2 सेकंड लगेंगे झेल लेना इसका टाइटल लगा था चंद खुशियों में से एक खास खुशी का दिन एक और बड़ी कविता बनाई पर वो नहीं सुना रहा चंद खुशियों में से एक खास खुशी का दिन 4 से अगर 10 से अगर पॉइंट देखे हैं वो मैं कभी सुना था सब भाई लोगों के लिए चंचल चलाया चांद सी जिंदगी में चार लोगों की चांदनी 1000 वर्ष की बन जाए दर्द के लिए दवा की जरूरत तो कमजोरों को पड़ती है आपके लिए दर्द ही दवा बन जाए खुदा से यही दुआ है मेरी आपसे मिलने का मौका आता है बार बार शिकवा अगर तुम शिकायत कोई हो तो हमसे मिलो एक बार ना सही बार बार यो तो जिंदगी में लाखों मौके होंगे यो तो जिंदगी में लाखों मौके होंगे आपका अपना ढूंढने पर भी नहीं मिलता है मेहनत किए बगैर जो हीरे मिल गए हमको वे कड़ी मेहनत पर भी नहीं मिलता है सेवाओं की यादें होंगी आप लोगों के साथ पर मुझे भुला दो ऐसा भूल से भी ना हो जाए एक पल नहीं दो पल नहीं पल पल देखता हूँ सपने जो मैंने आपसे सजाए कमल कीचड़ में रहकर कीचड़ का नहीं होता कीचड़ में रहना उसकी मजबूरी है खास होने के लिए किसी का पास में होना नहीं बल्कि हृदय में वास जरूरी है सच पूछो तो सभी के मुख पर बधाई की और हमारे लिए शुभकामनाएं हैं खुशकिस्मत रूप में जो आपसे प्यारे दोस्त आए शिखर की ऊंचाइयों को छूने की जरूरत नहीं शिखर की ऊंचाइयों को छूने की जरूरत नहीं मेरे दिल को जो छू आपने दिया है कांच के समान नाजुक होता है दिल संभाल कर रख लो उसे 5 साल की यादों के रूप में जो आपको दिया है दिन आज खुशी का आया है होठों पे ऐसी दिलों में खुशी के साथ करता हूँ कविता का है नजरे खुली होगी तो कभी नहीं देखूंगा एक बार बंद करके देखना सामने ही होगा आपका
वक्ता के रूप में शास्त्री अंतिम वर्ष से बुला रहा हूँ सन्मति जी को। वो यहाँ आए, उनके आने के पूर्व में कुछ उनके लिए पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। काव्य सुमन की वर्षा करते, विधान पर है इनका राज, बढ़ावा की प्रतिभा है ये, शाही है इनका अंदाज, ऐसे सन्मति जी आए और अपना बखान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे पहले तो मैं मेरे पापा को नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्मारक प्रांगण में भेजा, किन किन रूपों में भेजा, कैसे भेजा, कि जहाँ इतना अच्छा माहौल मिला तो मैं इन सबके बीच में किस प्रकार आया। माहौल तो सर्वप्रथम ऐसा ही था कि कक्षा 6 से ही मुझे निर्णय करा दिया था मेरे मम्मी पापा ने कि मुझे स्मारक में आना ही है। और पापा पहले से भी कहा करते थे कि मुझे स्मारक में भेजना है और वो भेजेंगे। अब उसके लिए यहाँ पे 10वीं पास को ही एडमिशन दिया जाता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे आया। तो हम 3 भाई थे, चंचल, चेतन और सन्मति। तो तीनों 10वीं पास करके जब स्मारक में आए तो उस टाइम पे हमारी परसेंटेज थी कि मेरी 51% थी, चंचल की थी जाए, और अच्छे परसेंटेज लेकर हम दोबारा स्मारक में भर्ती होना चाहें। तो इम्प्रूवमेंट किया, एक साल और बिगाड़ा, और इम्प्रूवमेंट में जब अच्छी परसेंटेज बनी फिर भी यहाँ पे तीनों का एडमिशन नहीं हो पाया। उसमें से भी सिर्फ 2 जनों का एडमिशन हुआ, चंचल का और मेरा, बेचारा चेतन अटक गया। तो इस प्रकार से अगर चेतन का एडमिशन नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से हमें भी एडमिशन नहीं लेना था। इस प्रकार से हम तीनों ने एडमिशन नहीं लिया और दोबारा फिर पिड़ावा जाकर वहाँ पे बायोलॉजी को ले लिया तीनों ने, लेकिन मेरा मन बायोलॉजी में नहीं लगा। और फिर पिड़ावा से 8 से 11th पास की और दोबारा स्मारक में एडमिशन के लिए आया। और इस प्रकार से 2 साल इन्हें बिगाड़ कर स्मारक में प्रवेश प्राप्त किया। स्मारक में जब मेरे दोस्त मिले तो इतने अच्छे मिले कि इनकी खूबियों के बारे में क्या बताऊं। लेकिन सबसे अच्छा अगर मुझे बेच लगा तो मेरा बेच है इनके साथ एक एक बिताया पल मुझे याद रहेगा। हमारे दोस्त अमित भाई, जीतू भाई, अंकित, अंकुर, रोहन, निपुण, इन सब के साथ में जो रहा उनके तो वो पल ऐसे रहे कि बिल्कुल भूतों ना भविष्य में कभी नहीं भुला पाऊंगा पलों को। इस प्रकार से ये तो मेरे यहाँ के पल रहे। और जूनियरों को, मेरे अनुज भाइयों को तो मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि वे जहाँ भी रहे, वे जिस हालत में भी रहे, जिस देश में रहे, जिस वेश में रहे, मतलब जैसे भी रहे, हमेशा अपने भगवान आत्मा का चिंतन करें, अपने भगवान आत्मा का मनन करें, देवशास्त्र गुरु का अपने मन में श्रद्धान रखें। और इसके बाद अपने गुरुजनों के बारे में, जिन्होंने हमें 5 सालों तक अच्छा शिक्षा दी, ज्ञान दिया, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि सब धरती कागज करूँ, लेख नहीं सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूँ, गुरुगुण कहा न जाए। इस प्रकार से गुरुओं के बारे में प्रवीण जी भाई साहब, शांति जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, सभी का मैं आभार मानता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इनके सामने बोल सकूँ। और स्मारक के लिए जो भी मुझसे बने, मेरे 5 साल की जिंदगी में 5 साल मैंने यहाँ दिए हैं और उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। इस रूप में मुझसे जो बनेगा तत्व प्रचार के माध्यम से या जिंदगी में कभी भी मुझे अगर मेरे लिए स्मारक की जरूरत रही तो मैं तन मन धन से स्मारक की सेवा के लिए तत्प्रतज्ञ रहूँगा। और अंत में मेरे मम्मी पापा को धन्यवाद देते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ जो मैंने सिर्फ इसी क्षण में बनाई है। कोई मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो ये है। गुरुदेव के तत्व ज्ञान से गुंजा कैसा नारा, मोक्ष मार्ग का पथ बतलाता स्मारक ये प्यारा। दादा के सपनों का देखो खूब हुआ उजियाला, अन्ना जी ने कंठ पाठ से सबका कष्ट निवारा। शांति जी ने शांत हृदय से सबको खूब सवारा, धर्मेंद्र जी ने टोक टोक कर अपना फर्ज निभाया। प्रवीण जी ने धर्म मार्ग पर हमको चलना सिखाया, पीयूष जी ने खड़े खड़े ही कोर्स भी पूरा करवाया। संजीव जी से ही तो हमने नयों का ज्ञान पाया, कितना अच्छा कितना प्यारा ये परिवार हमारा, कितना अच्छा कितना प्यारा ये परिवार हमारा, इसके आंचल में पल बढ़ के। इस यादों इन लोगों को भुलाएंगे कभी नहीं। अगर याद रखना फितरत है आपकी, अगर याद रखना फितरत है आपकी, तो भूल जाने की आदत हमें भी।
यदि शांति से कंस से आवश्यकता नास्ति एवं भूता शमशान से शांति परमेशका तदस वर्तमान सनातनिया शांति कुमार पाठक महोदय कार्यालय शिक्षा संस्थान सर्व कार्य पीयूषा धारया प्रवाहमानाः प्रवाहयन्तः अस्माकं पीयूष कुमार जी महोदया इतोप्यधिकं सर्वं कार्यं स्वदक्षता व्यायेय सम्पादयन्तः संस्थानस्य महिमां वर्धयन्तः अत्रत्याः अन्ये आचार्याः प्रेयांश छात्राः उपस्थिताः स्वयरः विद्वांसस्य सर्वप्रथमं प्राप्तं सर्वं ज्ञानं आचार्यैः भवद्भिः निक्षिप्तं कार्यमन्तव्यं भवन्तः जानन्ति कलिकालेऽस्मिन् युगे न भवन्ति तथा आयुष आयुंसि बहूनि न सन्ति अतः अस्मिन्नेव काले यद्किमपि तत्त्वम् अस्ति तस्य तत्त्वस्य प्रचारः कथं ददन्ति कर्तव्यम् एव न कर्तव्यम् अनेन करणेन हानि अनेन करणेन च लाभः एवं यदि स्मारणो रीत्या यदि प्रवर्तनं भवेत् चेत् समाधि भवति ज्ञानज्योतिः प्रकाशः अतः स्मारणं तादृशम् एकं लक्ष्यं स्यात् यानि यानि स्मारणं सुचरितानि तानि एव कर्तव्यानि यानि यानि स्मारणं संसारस्य धर्मस्य च नियमः तैव अनुष्ठेयः जो भी तत्व ज्ञान आपने सीखा है उसे सूत्रों को भी सिखा
साथ में मैं आप आपको मिलते हैं तब मैं कहती हूँ कि जीवन में जो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने का आप उद्देश्य बनाते हो, ये बाहर की विभूति जितनी भी मिलेगी उससे आतुरता और अशांति ही मिलने वाली, और तत्वता के बल पे आत्मा की विभूति को प्राप्त करने का जो प्रसार करोगे उससे शांति और निरातुरता मिलेगी। इसलिए मेरा जो आप लोगों से आशीर्वाद है कि जो बाहर की प्रेमल है वो सब उनके उदय से मिलता है, आपके प्रसार में नहीं। वंदितु सर्वसिद्धे, सभी मंचासीन विद्वतगण और अग्रज और अनुज भाइयों, आज विदाई समारोह और हमारे जाने का वक्त आ चुका है। सर्वप्रथम ये जो चार बिंदु निश्चित किए हैं उनके अनुसार ही मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि समय अपनी तीव्रता से बढ़ रहा है और सभी को बोलना है। तो सबसे पहले जो कि मैं किसकी प्रेरणा से आया, तो यह मेरा सेल्फ डिसीजन था कि मैं यहाँ पे आया। इससे पहले मेरे भैया जो मेरे से एक साल सीनियर है वो आ चुके, यहाँ पर अध्ययन कर चुके। तो चूँकि उनका एडमिशन डोनेशन बेस पे हुआ था और इसी कारण मेरा भी एडमिशन डोनेशन बेस पे ही हुआ, इसलिए मैं ये यहाँ पर जो मैं आया अपने खुद के डिसीजन से आया, कि घर वाले तो वैसे मना कर रहे थे, तो यह सेल्फ डिसीजन था। अब कि यहाँ पर जो 5 साल का अनुभव रहा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे छोटे दादा हैं वो एक कौवे की तरह हैं। क्यों कौवे की तरह? क्योंकि जिस प्रकार एक कौवा है उसको रोटी मिलती है तो काव काव करके सभी अपने परिजन को बुला लेता है, उसी प्रकार छोटे दादा ने क्या किया कि उनको जब ये तत्व रूपी रोटी मिली तो उन्होंने सभी अपने साधर्मी बंधुओं को बुला लिया और उन सब में बाँट दिया। उसी प्रकार उनकी तरह मैं भी कौवे की तरह बनना चाहूँगा, और उसके लिए मैंने जो ज्ञान अर्जन किया है 5 सालों में वो ही मेरे लिए कार्यकारी रहेगा। और जो अनुजों के लिए प्रेरणा की बात है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि योग्यता और अवसर यह सफलता के लिए कच्चा माल है। तो जो योग्यता होती है वह तो गॉड गिफ्ट है, वह तो अपने अंदर होती है, लेकिन जो अवसर हैं उन्हें हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो जो अवसर हैं वो यहाँ 5 सालों में इतनी बार मिलते हैं कि उनको हम चूक जाएं तो यह हमारी गलती होगी। इसलिए उन अवसरों को जो 5 साल में अनगिनत अवसर मिलते हैं उनको चूकना नहीं है, क्योंकि अवसर की कोई पूछ नहीं होती जिसको कि हम पकड़ कर वापस ला सकें। इसलिए इन जो अमूल्य अवसर हैं उनको न चूक कर उनका पूरा उपयोग करते हुए अपनी सफलता को अर्जित करें। इसी मंगल भावना से मैं एक पंक्ति का कर अपनी बात समाप्त करूंगा। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आदरणीय मंचासी एवं मेरे अनुभव, आपके अनुसार तो ये हमारी विदाई की बेला होगी, परंतु मेरे अनुसार ये विदाई की बेला नहीं, क्योंकि हमारे मेरे मन में जो इस मार्ग के प्रति जो सम्मान प्रेम और यहाँ के जो जितने भी गुरुजन हैं उनके प्रति भी जो सम्मान और प्रेम है वह मेरे मन से कभी नहीं कम होने वाला, इसलिए यह हमारी विदाई की बेला मैं नहीं मानता। ऐसे इस मार्ग में मेरे को आने की प्रेरणा जिनचंद्र जी अलमान एवं मेरे चाचा जी ने दी। इन्होंने जब मेरे को बिना के पहले शिविर में जाने के लिए कहा, तब मैं जब बिना शिविर में गया वहाँ का जो धार्मिक वातावरण है, जितने भी धार्मिक वातावरण चलते हैं वह जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेने की रुचि होगी। मेरा बिना शिविर में एडमिशन तो नहीं हुआ, परंतु जब मैं देवलाली शिविर में दूसरी बार फिर से देवलाली शिविर में गया तब मेरा एडमिशन हो गया।
अब तक तो मैं मेरे को सिर्फ एडमिशन लेने जाना है, इसीलिए मैं एडमिशन लेने गया, परंतु मेरे को यहाँ आने की इच्छा जरा भी नहीं थी। परंतु जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ का जो धार्मिक वातावरण है, जो सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएं चलती है, या पूजन हो, प्रार्थना हो, ये जो क्रियाएं चलती है, वह देख के बहुत प्रसन्नता हुई। उसके कारण मैं मेरा यहाँ मन लगने लगा। इसके पहले देखिए मेरे पूर्व जो भूमिका है, इसके पहले मेरे को सिर्फ धर्म माने इतना ही पता था कि भगवान के सामने जा और नतमस्तक हो। परंतु जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को सच्चे धर्म का स्वरूप पता चला। स्मारक में पहले 2 साल तो मेरे को बहुत डर लगता था, परंतु उसके बाद यहाँ के जितने भी मतलब अधिकारी वर्ग गए, गुरुजन वर्ग गए, उनके मार्गदर्शन से मेरे को यहाँ पे कैसे रहना, क्या करना, यह सब पता चला। इसीलिए मैं यहाँ के गुरु वर्ग के भी आभारी हूँ। तथा यहाँ तब मैं आगे भी इस मार्ग के जो कार्य प्रणाली है, इस मार्ग में जो कार्य चलता है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, अर्थात उस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, भविष्य में भी इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न करता रहूंगा। यही बोलकर मैं विराम देता हूँ।